हार जीत तो जिंदगी में लगे ही रहते हैं, हार जीत तो जिंदगी में लगे ही रहते हैं। असली विजेता तो वो है जो हार कर भी कोशिश करता है, जो हार कर भी कोशिश करता है, असली विजेता तो वही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का। सभी जानते हैं करंट अफेयर का शानदार सा सेशन लेके मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। तो देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें आपको PIB द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस मिलने वाला है। सभी एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नहीं होंगे वो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। इतना मेरे लिए आप करेंगे और मैं आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगी जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। जहां से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वहीं से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, वहीं से मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। कहां से पूछता है करंट अफेयर में क्वेश्चन? PIB द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, यही तीन अखबार है उसके पास, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। PIB सरकार का, जो हमारे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है उसमें जो बड़े बड़े हमारे वो होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, वो अपने आर्टिकल लिखते हैं उसमें और अपने अपने विचार लिखते हैं, तो उनको हमें पढ़ करके हमारा माइंड है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये तीन अखबार पढ़ने चाहिए। PIB सरकार की वेबसाइट है और वहीं पर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, अच्छे अच्छे जो हमारे हमारे जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने विचार उसमें लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं डेली करंट अफेयर, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन डे एग्जाम एंड UPSC स्टेट PCS। फ्रेंड्स फर्क इतना है वन डे एग्जाम और स्टेट PCS में कि वन डे एग्जाम में आपसे एक वन लाइनर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, वहीं पर स्टेट PCS और UPSC में आपसे स्टेटमेंट डाल के क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन सेम होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 28 अप्रैल 2023। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में किस गांव को प्रथम भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिली है? भारत का वो पहला कौन सा गांव है जिसे हाल ही में भारत के प्रथम गांव के रूप में मान्यता मिली है, यानी पहला गांव माना गया है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए मनसा, ऑप्शन बी माड़ा, ऑप्शन सी सरसा और ऑप्शन डी गोमती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? माड़ा, ठीक है, माना या माड़ा जो भी बोले आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, इसका आंसर है माड़ा, ठीक है। तो हाल ही में किस गांव को प्रथम भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिली है? माड़ा। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। हम कहते हैं ना हमारा जो विकेंद्रीकरण हो रहा है, हमारी जो प्रशासन है वो कहां से स्थानीय लेवल से आना चाहिए, तो स्थानीय लेवल को ध्यान में रखते हुए ये इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा है कि ये प्रथम है फ्रेंड्स, ठीक है, प्रथम कुछ हुआ है तो वो इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए और जानकारी ले लेते हैं, उत्तराखंड। अब ये किस राज्य का गांव है? कोई राज्य होगा, राज्य में गांव होते हैं, तो किस राज्य का है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अब आपसे एग्जामिनर कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का पहला कौन सा गांव है जिसे प्रथम भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिली है? माड़ा। किस राज्य का गांव है? उत्तराखंड का, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर चीन से सीमा साझा करता है हमारा जो उत्तराखंड है, वो राज्य उत्तर का राज्य है, यानी ये जो भारत है हमारा यहाँ पर उत्तराखंड है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख है, यहाँ पर उत्तराखंड है, तो ये उत्तर का राज्य हो जाता है, चीन से सीमा साझा करता है। BRO द्वारा इस पर साइन बोर्ड लगा दिया गया। जैसे आप जब जो ये माड़ा गांव है इसके इसमें एंट्री करोगे, तो एंट्री करने से पहले जो इसका एंट्री गेट है ना उस पर BRO द्वारा एक साइन बोर्ड लगा दिया गया है कि माड़ा गांव भारत का पहला गांव, ऐसे। अब यहां पर देखेंगे, अब जिले पूछ ले आपसे कि किस जिले में है ये माड़ा गांव, तो आप बता देंगे चमोली जिले। कौन सा जिला है? चमोली जिला है, उत्तराखंड राज्य होगा, चमोली जिला हो गया, माड़ा गांव हो गया, क्लियर। अब यहां पर देख सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई उत्तराखंड की, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की स्थापना देख लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को ही, इसका पुराना नाम उत्तरांचल था। अब देखते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भारत का बॉर्डर है चारों साइड से, जैसे ये भारत है ये बॉर्डर है पूरा, ठीक है, तो ये बॉर्डर है, इसके आसपास सड़क बनाने का जो काम करता है उसे हम BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है।
यानी बॉर्डर पे जो सड़क बनाने का काम करता है उसी को हम बीआरओ कहते हैं। तो बीआरओ क्या है? रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय है। अब आपसे बीआरओ से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बीआरओ द्वारा इस पर साइन बोर्ड लगाया गया है। बीआरओ की फुल फॉर्म क्या है? बीआरओ की स्थापना कब हुई? बीआरओ काम क्या करता है? बीआरओ एक संवैधानिक निकाय है कि असंवैधानिक निकाय है कि कोई वैधानिक निकाय है, क्या है, ऐसे पूछ सकता है। तो आप बता देंगे ये क्या है, एक वैधानिक निकाय, यानी कि एक एक्ट पास करके, ठीक है, बिल लाया गया संसद में, उसे पास किया गया, वो एक्ट बन गया और उसी के तहत बन गया, ये एक बॉडी है जिसे हम बीआरओ कहते हैं। गठन कब हुआ बीआरओ का? 7 मई 1960 को इसका गठन होता है। बीआरओ ने उमलिंग ला में सबसे अधिक ऊंचाई वाली सड़क के लिए नवंबर 2021 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो बीआरओ को ये नहीं है कि छोटा मोटा कोई एक बॉडी है, छोटी मोटी बॉडी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 7 मई 1960, स्थापना ध्यान रखेंगे आप, बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960। बीआरओ ने उमलिंगला, कहां पर है ये उत्तराखंड की साइड है, उत्तराखंड में है उमलिंगला में सबसे अधिक ऊंचाई वाली सड़क के लिए, सबसे अधिक ऊंचाई वाली सड़क के लिए नवंबर 2021 में इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या करके? कि इसने सबसे ऊंचाई पर सड़क बनाई थी, सबसे ऊंचाई वाली सड़क बनाई थी, यानी सबसे ऊंची सड़क, ऊंचाई पर जाकर के एक सड़क बनाई, इसी के लिए इसे नवंबर 2021 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे पुरस्कार मिला, इसे दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है कि हाल ही में किस गांव को भारत के प्रथम गांव के रूप में मान्यता मिली है? माड़ा गांव। कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, किस जिले में है? चमोली जिले में। ठीक है, उसके बाद क्या है यहां पर, अब बात आ जाती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी, चलो उत्तराखंड की राजधानी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है कि चमोली जिले का ये हो गया। अब यहाँ के सीएम पूछ ले तो पुष्कर सिंह धामी हो जाते हैं। ठीक है, बाकी बीआरओ के बारे में पूछ ले तो बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को, बीआरओ ये क्या रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, इस तरह से इसका पुराना नाम क्या था, ये सब आप देख लेंगे। हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है तो आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2023-24 के लिए नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2023-24 के लिए नैसकॉम, एक बॉडी है नैसकॉम, देखेंगे क्या है ये नैसकॉम, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है सिंपल सा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है, चार ऑप्शन है, संदीप गोधेश्वर, अनंत महेश्वरी, राजू पाल और सुमित गोपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत महेश्वरी। क्या हो जाएगा? अनंत महेश्वरी, ध्यान रख लेंगे। नैसकॉम के अध्यक्ष कौन है? अनंत महेश्वरी है। नैसकॉम है क्या ये? नैसकॉम की पहले तो आप फुल फॉर्म देख लो, NASSCOM, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। कभी कभी आपको वर्ड शुद्ध करने के लिए भी आ जाता है कि शब्द शुद्ध करो, इंग्लिश में भी दे देगा आपको नैसकॉम की निम्नलिखित में से कौन सी स्पेलिंग सही है, हिंदी में भी पूछ लेगा कौन सा शब्द नैसकॉम का सही रूप से लिखा हुआ है। तो पहले तो आप यही देखेंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्या देखेंगे, भारतीय, अब हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं नैसकॉम की, नेशनल, एन फॉर नेशनल, ए फॉर एसोसिएशन, ऑफ तो यहाँ साइलेंट है, एस फॉर सॉफ्टवेयर, एस फॉर एंड सर्विस, कॉम मतलब कंपनीज। ओके, तो यहाँ पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, क्या है ये? भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। भारतीय गैर सरकारी, भारत का गैर सरकारी है, सरकारी नहीं है, व्यापार संघ है, व्यापार करने वाला एक संघ है, और वकालत समूह है, व्यापार के बारे में अपना कोई विचार होता है इसका तो वो देता है। तो व्यापार समूह है जो मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है कि प्रौद्योगिकी को किस तरह से हम बेस्ट बना सकते हैं, किस तरह से हम नई तकनीकी अपनाकर अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को, अपने व्यापार को और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए एक बॉडी है जो कि गैर सरकारी है और इसकी फुल फॉर्म ये हो जाती है। ठीक है, प्रौद्योगिकी उद्योग पर इसका ध्यान केंद्रित है। अब यहाँ पर देखेंगे नैसकॉम की स्थापना कब हुई, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, नैसकॉम की स्थापना
फ्रेंड्स जब कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसकी सारी डायमेंशंस खोल देनी चाहिए, ना कि सिर्फ इतना रट्टा लगा लेना चाहिए कि नेस्कॉम की हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं कौन है। एग्जामिनर आपसे अध्यक्ष पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन उसकी स्थापना जरूर पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाकी आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जो भी इसमें यूज हुए हैं नेस्कॉम, भाई जब नेस्कॉम के अध्यक्ष है तो आपसे स्थापना भी तो पूछ सकता है कि नेस्कॉम है क्या, स्थापना कब हुई थी, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, बाकी वगैरह वगैरह पूछ सकता है आपसे। तो ध्यान दो इधर, स्थापना 1 मार्च 1988 को होती है, 35 वर्ष पहले। देखो मैं ये भी आपको बताती हूँ कि कितने वर्ष पहले, ये भी आपसे पूछ सकता है कि नेस्कॉम की स्थापना 30 वर्ष पहले हुई, 40 वर्ष पहले हुई, 50 वर्ष पहले हुई या फिर 20 वर्ष पहले हुई, ऐसे पूछ सकता है। बच्चे के माइंड में आएगा हो सकता है 50 हो या फिर 20 हो, क्योंकि चर्चा में आया है तो इस वजह से हो सकता है उसकी सेंचुरी या फिर उसकी दशक मनाया गया हो या 2 दशक मनाई गई हो, इस तरह से बच्चे के माइंड में आता है तो फिर उसी तरह से टिक कर देता है। तो 1988 है इसका आंसर, ठीक है। 1 मार्च 1988 को आपसे स्थापना दिवस भी पूछ सकता है, किस दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, 1 मार्च को। स्थापना किस सन में हुई थी, 1988 में, 35 वर्ष पहले। हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा यूपी में। दिल्ली में भी है इसका हेडक्वार्टर और नोएडा यूपी में भी है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो दिल्ली आता है तो दिल्ली लगाएंगे, नोएडा आता है तो नोएडा लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 2013 में इसने क्या लक्ष्य रखा था नेस्कॉम ने। आपको पता तो चल गया व्यापार से संबंधित है कुछ नेस्कॉम, इतना तो पता चल गया, अब चल गया होगा। तो देखो 2013 में इसने लक्ष्य रखा था कि 2023 तक भारत में 10,000 स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे, यानी कम से कम 10,000 स्टार्टअप हम स्थापित करेंगे 2023 तक, ऐसा 2013 में इनके द्वारा लक्ष्य रखा गया था। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप अक्टूबर 2018 में FISITA वर्ल्ड ऑटोमोटिव कांग्रेस व जनवरी 2019 में नेस्कॉम इंटरनेशनल SME कॉन्क्लेव की मेजबानी की थी। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या कभी इसने कोई ऐसा काम किया था, तो हाँ किया था। इसकी भी जो फिसिट है हमारा, इसकी भी मेजबानी की थी 2018 में, और 2019 में इसने नेस्कॉम इंटरनेशनल SME कॉन्क्लेव की भी मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, नहीं दे रहा होगा तो हम थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, क्योंकि विजिबल होता है तो अच्छे से हम समझ पाते हैं, विजिबल नहीं होता तो हम अच्छे से समझ नहीं पाते। तो यही कोशिश करते हैं कि आपको सबको समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शारजाह स्टेडियम स्टैंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के 50वें जन्म दिवस के उपलक्ष में उनके नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन समझ आया, चलिए दोबारा पढ़ते हैं। हाल ही में शारजाह स्टेडियम स्टैंड, यानी कोई स्टेडियम स्टैंड है जिसका नाम शारजाह है, उसका नाम किस भारतीय क्रिकेटर के 50वें जन्म दिवस के उपलक्ष में उनके नाम पर रख दिया गया है। समझ आया, कोई स्टेडियम है उसका नाम किसी भारतीय क्रिकेटर के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर उस स्टेडियम का नाम उस क्रिकेटर के नाम पर रख दिया गया है, यानी क्रिकेटर का 50वां जन्म दिवस है और कोई एक क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम उस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रख दिया है। क्लियर हो गया। तो देखो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर का 2023 में 50वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है और इनके नाम पर शारजाह स्टेडियम स्टैंड का नाम रख दिया गया है। अब आपके मन में आएगा, मैम ये स्टेडियम है कहाँ पर, अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, यही है, यही होता है जब हम अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर की न्यूज पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड में ये सब चलता है, और मैं इतना डीपली कराती हूँ तो आपके माइंड में बिल्कुल ही चलना चाहिए कि मैम इसका कहाँ पर है ये, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कहाँ कैसे क्यों कब क्या हुआ, तो ये तो आपका आना चाहिए, नहीं आया तो लेकर आओ ये अपने माइंड में। इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। चलिए देखते हैं, UAE विशेष समारोह, UAE में एक विशेष समारोह हुआ जहां पर जो शारजाह स्टेडियम है, तो शारजाह स्टेडियम कहां पता चल गया, UAE में।
यूएई विशेष समारोह में सचिन तेंदुलकर के जन्म दिवस के अवसर पर इस स्टेडियम का नाम इनके नाम पर रख दिया गया है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर स्टेडियम। 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खचाखच भरे स्टेडियम जिसका नाम डेजर्ट स्टॉर्म स्टेडियम था, उसकी भी 25वीं वर्षगांठ इसी वर्ष मनाई गई। तो दोनों काम इनके हो गए एक साथ कि एक तो भारतीय क्रिकेटर के नाम पर उनके 50वें जन्मदिवस पर हो गया और दूसरा कि एक बार एक कोई मैच हुआ था 1998 में ऑस्ट्रेलिया में, उसके खिलाफ एक खचाखच भरे हुए स्टेडियम में जिसका नाम क्या था, डेजर्ट स्टॉर्म, उसकी भी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। यानी कि उसमें बैक टू बैक शतक लगाए गए थे। क्लियर? तो यहाँ पर इतना हो जाता है, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था, किस गांव को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है? दूसरा क्वेश्चन क्या था, 2023 के लिए नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किस स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रख दिया गया है? तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, त्रिपुरा के पहले पद्म श्री अवार्डी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? त्रिपुरा के, यानी त्रिपुरा राज्य चर्चा में है, उसके पद्म श्री अवार्डी कोई व्यक्ति थे, महान व्यक्ति होंगे जो उन्हें पद्म श्री मिला है। हम तुमको तो मिल ही जाएगा, ठीक है, तो अच्छे काम करने पड़ते हैं जब जाके ये भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण हमें मिलते हैं। तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, इसके लिए इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला। हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो आपसे ये पूछ सकता है इस वजह से कि पद्म श्री थे, त्रिपुरा के थे और पहले थे त्रिपुरा के, इस वजह से पूछेगा आपसे, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हिमांशु शर्मा, हिमांशु मोहन चौधरी, चौधरी हिमांशु और हिमांशु सहम। फ्रेंड्स, अगली बार से मैं कोशिश ये करूंगी कि आपको जो मैं चार ऑप्शन देती हूँ ना, वो एक ही नाम से रिलेटेड हो, ताकि फ्रेंड्स आपको वो नाम चार बार आपके कानों में गया, चार बार वो गूंजा आपके कानों में जाकर, और वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो हिमांशु, हिमांशु सब में आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है एग्जामिनर भी आपको चारों ऑप्शन में हिमांशु देगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना, वो तो चार अलग अलग ऑप्शन देगा आपको। तो कहीं ना कहीं जब आप हिमांशु नाम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्लिक करेगा कि हाँ, हमने क्लास में पढ़ा था हिमांशु। तो चलो, हिमांशु से फिर आपको ये लगाना होगा, एक ही ऑप्शन होगा, लगा लोगे, है ना, एक ही जैसे आप ऑप्शन देखोगे ना हिमांशु, वैसे ही आप लगा लोगे। तो हिमांशु मोहन चौधरी हो जाता है इसका राइट आंसर। अब त्रिपुरा की बात आई है, तो चलो त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं। राज्यपाल क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य इसके राजा, यहाँ के राज्यपाल है। सीएम मणिक शाह है। स्थापना 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो स्थापना मोस्ट, मतलब बहुत बार पूछी जाती है कब स्थापना हुई, किस राज्य की, तो त्रिपुरा चर्चा में है, तो त्रिपुरा आप याद कर लेंगे। उसी राज्य की स्थापना पूछी जाती है जो राज्य चर्चा में रहता है। उत्तर पूर्व के राज्य अपसपा के कारण कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, वो सॉल्व हो जाता है, उसके कारण चर्चा में रहते हैं, तो तभी पूछे जाते हैं। कितने जिले हैं त्रिपुरा में? 8 जिले हैं। राजधानी क्या है? अगरतला। राजधानी भी है और इसका सबसे बड़ा शहर भी है त्रिपुरा का, अगरतला, ठीक है, त्रिपुरा का सबसे बड़ा शहर अगरतला और राजधानी भी अगरतला। और जो हमारा त्रिपुरा है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? 8 जिले और 23 उपभाग से मिलकर के बना हुआ है, उपप्रभाग। 8 जिले, 23 उपप्रभाग से मिलकर बना हुआ है। हमारा क्वेश्चन हो गया, नाम ध्यान रख लेंगे आप, हिमांशु मोहन चौधरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की फर्म जल्द ही अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करने वाली है? किस देश की फर्म हाल ही में अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करने वाली है? चार ऑप्शन है, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और रूस। इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। तो बेल्जियम की एक फर्म है जो जल्द ही अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करने वाली है। बेल्जियम की वीटो, क्या ना कंपनी का नाम है, वीटो, कचरे से बायोडीजल बनाने की परियोजना शुरू करेगी। किससे? कचरे से, जो कचरा होता है उससे बायोडीजल बनाया जाएगा, उसकी परियोजना बेल्जियम की एक कंपनी है जिसका नाम वीटो है, वो शुरू करेगी अयोध्या में। ये 2 दशक का पायलट प्रोजेक्ट होगा। कितने दशक का? 2 दशक का, यानी 2 दशक, एक दशक में 10 वर्ष और दूसरे दशक में 10 वर्ष, यानी 20 वर्ष का ये प्रोजेक्ट चलेगा, होने वाला है। कचरे से क्या बनाया जाएगा? डीजल बनाया जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा? गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी, रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा? चार ऑप्शन है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया और नोटा। नॉन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं है, तीनों ऑप्शन में से कोई और ही ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे। ठीक है, तो ये है, ये जो देश है ये क्या करेगा, गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी यानी कि सोने की करेंसी लॉन्च करने वाला है। ये मुद्रा के गिरते मूल्य का मुकाबला करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे जिसे हम आरबीजेड कहते हैं, इसने एक स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा पेश करने की घोषणा की है। कि स्वर्ण समर्थित यानी कि स्वर्ण से बनी हुई एक मुद्रा है वो इसने पेश करने की घोषणा की है। जैसे पहले नहीं होता था मुगल काल में हमारा जो फिरोज शाह तुगलक था ये सब थे, तो इन्होंने भी चलाया था ऐसा सब कुछ, है ना, गयासुद्दीन तुगलक था और ये फिरोज शाह तुगलक हो गया, इन लोगों ने भी ये सोने के चांदी के तावे के सिक्के चलाए थे, तो वैसे ही कुछ इन्होंने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह जिम्बाब्वे डॉलर की छोटी मात्रा के धारकों को टोकन के लिए अपने पैसे का आदान प्रदान करने और विनिमय दर में उतार चढ़ाव से खुद को बचाने में सक्षम करेगा। ठीक है, ये एक जब महंगाई हो गई है, अब यहाँ पर मूल्य का जब दाम गिर जाता है महंगाई हो जाती है, महंगाई से बचने के लिए कोई भी सरकार हो वो कुछ और उपाय अपनाती है, कुछ क्या करते हैं यहाँ पर अपनी दूसरी मुद्रा छाप देते हैं और कुछ क्या करते हैं अपने आयात को कम कर देते हैं और अपने प्रोडक्शन को घटा देते हैं, ऐसा अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। ये इकोनॉमी की टर्म है, कभी आएगा क्वेश्चन तो हम आपको समझाएंगे अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना। फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, काफी मेहनत लगती है इतना प्यारा सा सेशन आपके लिए। पहले न्यूज़पेपर खंगालो, फिर उसके बाद अपना कंटेंट तैयार करो, फिर यहाँ पर बोर्ड पर उसे लिखो, ठीक है, फिर आपके सामने बोल के सुनाओ, फिर वीडियो को सेट करो, फिर उसके बाद अपलोड करनी होती है, काफी टाइम लगता है, तो समझा करो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा किया करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।